बहुत से लोग बेवकूफों वाली हरकतें करते हैं, लेकिन कभी कभी ये जानलेवा साबित हो सकती है ना। तो इस वीडियो में हम देखेंगे लोगों द्वारा की गई कुछ बेवकूफियां। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, अगर नशा करते हो तो छोड़ दो भाई, नहीं तो पुल समझकर बिजली के तारों पर चलने लगोगे, बिल्कुल इस लड़की की तरह। दीदी ने 4 घंटे लगातार एक नशा स्मोक किया। उसके बाद दीदी का मन करा कहीं घूम के आते हैं, तो नदी किनारे जाने का फैसला किया। और दीदी ने बिजली के खंबे को रोप पुल यानी रस्सी वाला पुल समझकर 2 घंटों की मशक्कत करके उस पर चढ़ गई और उसे पुल समझकर पार करने की कोशिश करने लगी। कमाल का नशा है ना। लकीली उसे कोई करंट नहीं लगा और इनकी ड्रग की लत छुड़वाने के लिए पुलिस ने इनको रेस्क्यू करने के बाद अस्पताल में भर्ती करवा दिया। नंबर टू, क्या आप किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए मगरमच्छ से भरी नदी में कूदेंगे? नहीं, पर ये जनाब जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्होंने ऐसा किया और मगरमच्छ के हाथ भी लग गए। टेक्निकली इनका हाथ मगरमच्छ के मुंह में था और इन जनाब को मगरमच्छ ने 20 फीट तक नदी किनारे घसीटा। मगरमच्छ ने उन्हें तब छोड़ा जब इस आदमी ने मगरमच्छ की आंख में मुक्का मारा। लकीली ये जनाब भी कुछ माइनर इंजरीज के साथ बच गए। लेकिन मजे की बात तो ये है कि वो लड़की इनसे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुई। तो लड़कियों के पीछे जान जोखिम में नहीं डालने का, समझे। नंबर थ्री, बस की छत पे या ट्रेन की छत पे तो कहीं लोग ट्रेवल करते हैं, हालांकि ये भी बहुत बड़ी बेवकूफी है। लेकिन इससे भी बड़ी बेवकूफी की इन जनाब ने, और वो थी चलते एयरप्लेन पे चढ़ने की। यस, मिशन इम्पॉसिबल। 2019 में इनकी वजह से एक फ्लाइट को रद्द करना पड़ा, क्योंकि ये जनाब दौड़कर चलते प्लेन के पंख पे जा बैठे थे, शायद फ्री में ट्रेवल करना चाहते थे। लकीली एक पैसेंजर ने इनको खिड़की से देख लिया और फ्लाइट रुकवाई, नहीं तो ये जनाब अपनी जान से हाथ धो चुके होते। यार कमाओ और फिर ट्रेवल करो। नंबर फोर, ऑस्ट्रेलिया से फिशिंग करना तो लोगों को पसंद आता ही है, लेकिन अगर फिशिंग करते समय कुछ ऐसा हाथ लगे जिसके बारे में आप ना जानते हो तो उसे तुरंत वापस पानी में फेंक देना, और स्पेशली जब आप ऑस्ट्रेलिया में हो। यहाँ एक बंदे को फिशिंग के दौरान छोटा सा प्यारा सा पीला ऑक्टोपस हाथ लगा। उसे वापस समुद्र में फेंकने की बजाय उसने कुछ मस्ती करने का सोचा और वीडियो बनाने लगा, और अपने दोस्त को अपनी बाजू पर उसे रखने को कहा। रखा, खूब मस्ती करी। उसके बाद में उन्हें यह पता चला जिस ऑक्टोपस के साथ वो खेल रहे थे उसको ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस कहा जाता है, और वो इतना जहरीला है कि कुछ मिनटों में ही वो 26 लोगों की जान ले सकता है। खैर, इसके बाद उस शख्स का थोड़ा सा ज्ञान तो बढ़ ही गया। नंबर फाइव, अब मान लो एक लावारिस बैग पड़ा है जिसमें बम होने की आशंका है और पुलिस ने उसको चारों तरफ से सील कर रखा है, तो कौन बेवकूफ होगा जो उस बैग के पास बिना डरे जाएगा? बॉम्ब स्क्वाड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ। तो जवाब है कि बहुत सारे ऐसे बेवकूफ हैं। जरा इस वीडियो में देखिए, यहाँ एक बैग पड़ा है जिसे पुलिस ने पूरा सील कर रखा है, पर ये जनाब तेजी से अपनी साइकिल लेकर आते हैं और सीधा बैग के पास जाकर रुकते हैं या गिरते हैं, जो भी है, और बैग को फरोलने लगते हैं। भैया बाहर देशों में पुलिस इतनी तेज होती है कि इस हरकत के लिए भी उस बंदे को गोली मार सकती थी, लेकिन इस मामले में वो लकी रहा और लकीली उस बैग में भी बम नहीं मिला। पर बाद में उसे अरेस्ट कर लिया गया सस्पेक्टेड बैग के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में। तो आपको इनमें से कौन सी बेवकूफी सबसे बढ़िया लगी, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।